नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। बिहार की बात में आज विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, आज तो नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों का दिल गार्डन गार्डन कर, इतने महीने से परेशान थे शिक्षक, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहां तबादला हो जाएगा, कहां जाना पड़ेगा, वहां रहने की कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, शहरी क्षेत्र होगा कि ग्रामीण क्षेत्र होगा, और इसके लिए तमाम पैर भी दोष सिफारिश लगाए जा रहे थे। तो आज नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। दूसरा बड़ा फैसला अंतिम मुकाम पर पहुंचा कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया। देखिए, बीपीएससी से भी शिक्षकों की बहाली हुई और इन फैसलों से देखिए, अब जो शीतकालीन मौसम है, आगे 25 तारीख से विधानसभा का सत्र भी है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, अभी गुलाबी ठंड है, लेकिन नीतीश कुमार चुनावी मौसम में रंगने लगे हैं। और आज जब वह कार्यक्रम में शरीक थे, जब वह नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा बनाए जाने का ऐलान कर रहे थे, नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तब उन्होंने फिर से पुरानी बातें याद कराई। और देखिए, जब शिक्षक याद करते हैं तो एक बड़ी जमात को स्मरण करा दिया जाता है कि 2005 के पहले कैसा था बिहार। तो नीतीश कुमार ने यह बताया कि न सड़क थी, न बिजली थी, न अस्पताल ठीक से थे, और शाम को तो लोग घरों से निकलते ही नहीं थे शाम के बाद। फिर उन्होंने क्या क्या किया, तो इन बातों को याद रखिएगा। शिक्षकों से उन्होंने कहा, बिहार के लोगों से कहा और मीडिया वालों से भी कहा, लेकिन एक कमी महसूस हुई कि देखिए, आप यह कह रहे हैं कि पुरनका बात को याद रखिएगा, लेकिन नयका बात क्या है और आगे के लिए नयका क्या है यह नहीं बताए। इस बात की कमी आज हमने महसूस की। और देखिए, यह तो बताना ही होगा कि आगे क्या आप करने जा रहे हैं। तो बिहार के लिए, बिहार के संदर्भ में, बिहार की बात में हम शिक्षकों के दिल के गार्डन गार्डन होने की चर्चा करेंगे और नीतीश कुमार जो पुरानी बातों का स्मरण करा रहे हैं, चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं और चुनावी मैदान में निकल पड़े हैं, या यूं कहें, देखिए कार्यक्रम तो हो गया, राज्य कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई कि पूरे बिहार में महिला संवाद का आयोजन होगा। तो नीतीश कुमार तैयार है, शिक्षकों को खुश किया जा रहा है, नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही जा रही है। आज उन्होंने कहा भी कि देखिए, हमने सभी को कहा है कि तेजी लाइए और जल्दी जल्दी करिए। तो बिहार चुनाव के लिए तैयार है संजय जी? आज तो नीतीश कुमार जी के संवाद से तो वही लग रहा है कि बिल्कुल चुनावी मोड में आ गए, और जिस लहजे में उन्होंने लोगों को या खास करके शिक्षकों को जो एक एड्रेस कर रहे थे, उसमें वो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि देखिए, हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। आज ठीक है, वो जो नियोजित शिक्षक थे, हम लोग सुबह शुरू से इसके पक्षधर नहीं थे कि एक ही परिसर में कई तरह के शिक्षक हों, कोई शिक्षक जो पुराने बहाल हैं वो शिक्षक हों, फिर कुछ बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों, कुछ नियोजित शिक्षक हों, एक वातावरण तो नहीं बनता था। ठीक है, आपने कहते थे ठेके वाले शिक्षक कहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो आपने एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक फैसला लिया कि उन नियोजित शिक्षकों को, ठीक है, उनकी बहाली पंचायत के माध्यम से, नगर निकाय के माध्यम से आपने ही उसकी प्रक्रिया शुरू करवाई थी, लेकिन आज वो शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा पा गए, तो एक बड़ा प्रयोग, एक बड़ी बात आपने की। और आपने ये भी कहा, एक उम्मीद भी जगाई कि भाई सक्षमता परीक्षा भी दो ही हुआ है, अभी और बाकी है, तीन बार परीक्षा और देनी है, तो सक्षमता पास जो भी लोग हैं हम उनको राज्य कर्मी का दर्जा दे। और उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, बहुत छोटी सी परीक्षा है, मामूली सी परीक्षा है, आपके जितने और जो दूसरे मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए कहिएगा, अरे नहीं शामिल होंगी तो कैसे होगा, छोटी सी परीक्षा, मामूली सी परीक्षा, इसका भी इशारा बार बार नीतीश कुमार कर रहे थे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ये सकारात्मक लगा कि भाई जो जिस व्यक्ति ने बहाली का माध्यम जो हो, लेकिन 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष तक अगर उन्होंने काम कर लिया है
और अगर सरकार उनको राज्य कर्मी का दर्जा देती है तो बहुत सारी जो नीतियां हैं जो राज्य कर्मी वाले शिक्षकों पर लागू होता था अब इन पर भी लागू होगा और ये भी उसी मनोयोग से काम करने लगेंगे। आज तो 1,14,000 शिक्षकों को इन्होंने नियुक्ति पत्र भी दे दिया, बाकी शिक्षकों को भी चूंकि आचार संहिता वगैरह का कुछ मामला होगा वो लोग भी आएंगे उनको भी ये नियुक्ति पत्र देंगे। रह गई बात कि जो इन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने बिहार को बदला है और आप लोग इसके गवाह, उन्होंने तो अपनी बात कही कि मैं जब विद्यार्थी था तो मैं बख्तियारपुर के स्कूल में पढ़ता था, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उस समय स्कूलों की संख्या कितनी थी, आज स्कूलों की संख्या कितनी है, शिक्षक कितने हैं। और उन्होंने कहा कि 2,17,000 जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए उसमें भी 28,000 ये नियोजित शिक्षक वाले टीचर क्वालिफाई कर गए थे। तो मेरे मन में एक भाव था कि क्यों ना उन शिक्षकों को भी इस भाव में न जीने दिया जाए कि चूंकि हम नियोजन इकाई से बहाल हुए हैं इसलिए हम उस तरह के शिक्षक नहीं हैं जिस तरह के शिक्षक बीपीएससी क्वालिफाई करके बने हैं। तो नीतीश कुमार के इस फैसले का पूरा शिक्षा जगत और शिक्षक परिवार, क्योंकि शिक्षक अकेले नहीं होता है, शिक्षक एक परिवार होता है, तो सब लोगों ने ये किया। और नियुक्ति पत्र लेने तो जरूर आए थे लेकिन उन शिक्षकों की धड़कने बढ़ी हुई थी कि कहीं अगर ट्रांसफर की बात हो जाएगी। और ठीक आपने कहा कि लग रहा था कि भाई ट्रांसफर का च्वाइस तो जरूर 3 मांगा गया है लेकिन उस 3 च्वाइस में कहां हमें भेज दिया जाएगा, यहां तो कम से कम हम सेटल हैं, वहां जाने के बाद क्या माहौल होगा, कैसी स्थिति होगी, रहने की जगह होगी। आज उन्होंने कहा एक तरह से विराम लगा दिया, हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी पर परमानेंट कोई विराम जैसी चीज नहीं होती है, लेकिन 2025 तक बिहार विधानसभा के चुनाव तक तो अब कोई ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है, ये चीज तो स्पष्ट है। तो एक बड़ा इन्होंने जो एक शिक्षकों को तोहफा दिया है, जो आपने कहा कि बिल्कुल उनका दिल जो है वो बाग बाग हो गया होगा, इसलिए बाग बाग हो गया होगा कि लगा कि हमें एक साथ 2 चीजें मिली, एक तो हमारा स्थानांतरण वाली बात स्थगित हो गई कि अब ट्रांसफर नहीं होगा, और दूसरी चीज लगी कि अरे ये सारे शिक्षकों को एक तरह से ऑफर दे दिया गया कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जो मेरी जानकारी है 3,67,000 नियोजित शिक्षक अभी तक बहाल हुए हैं, उसमें 28,000 चले गए हैं बीपीएससी में, बाकी सारे शिक्षक को जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई एक मामूली सी सक्षमता परीक्षा है, उस परीक्षा को पास कर लें और वो राज्यकर्मी का जो सारी सुविधाएं हैं उसके हकदार हो जाए। तो शिक्षकों के लिए वो शिक्षक जो आज नियुक्ति पत्र लेने वालों में शामिल नहीं थे उनके लिए भी एक अच्छा संदेश है। लेकिन हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन को, बिल्कुल उसी पर मैं आ रहा था जी, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर नीतीश जी ने आज जरूर यह वचन दिलवाया कि हाथ उठाकर कहिए कि अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन केवल हाथ उठवाने से नहीं होगा नीतीश जी, मॉनिटरिंग की व्यवस्था तो करनी होगी, शिक्षकों को भी पढ़ाना होगा और शिक्षकों से बच्चों को भी पढ़वाना होगा, तभी बिहार सबरेगा। केवल आपके चुनाव जीत जाने मात्र से बिहार नहीं सबरने वाला है, बिहार को विजन की जरूरत है। और बिहार को जो हमने कहा कि पुरनका बात तो ठीक है आप याद करा दे रहे हैं, नएका बात पर भी ध्यान दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो शिक्षक जिनको आपने राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया, जिनके ट्रांसफर वाली पॉलिसी को ही आपने स्थगित कर दिया और आपने कहा कि आपके हाथ में बिहार का भविष्य है, बिल्कुल शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, लेकिन राष्ट्र निर्माता की भूमिका में वो है कि नहीं है इसकी मॉनिटरिंग की भी जिम्मेवारी सरकार की है। आपके पास अगर जब तक उनको मॉनिटर करने के लिए रिसोर्स पर्सन नहीं होंगे, जब तक उनकी अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे कि उनकी जिम्मेवारियां क्या है, उस स्कूल के रिजल्ट के प्रति आप सीधे कनेक्टेड नहीं रहेंगे कि उस स्कूल का रिजल्ट कैसा हो रहा है, और समय समय पर उन शिक्षकों को अगर आप ट्रेनिंग नहीं देंगे कि क्या वो शिक्षक मेथड ऑफ टीचिंग जो होना चाहिए क्या उससे लवरेज है, क्या वो शिक्षक जो छात्र उनको मिले हैं उनको वो गढ़ पा रहे हैं, तराश पा रहे हैं, निखार पा ला रहे हैं उसमें,
और वो बच्चे इस रूप में तैयार हो रहे हैं जो पूरे भारत में कहीं भी किसी स्कूल की तुलना में कमतर नहीं है। अगर शिक्षकों के कंधे पर जब तक ये दायित्व बोध आप नहीं देंगे, होता है ना कि दो चीजें होती हैं, अधिकार और कर्तव्य। बिल्कुल शिक्षकों के अधिकार के साथ मैं हूं और वो अधिकार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको दिया, लेकिन कर्तव्य का बोध कराने के लिए केवल भावनात्मक बातों से कर्तव्य का बोध नहीं होगा, उसके लिए आपको मॉनिटरिंग करनी होगी बच्चों का रिजल्ट। और कल ही हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मार्क्स ओरिएंटेड स्कूल से निकलना होगा, डिग्री ओरिएंटेड जो चीजें हैं उससे निकलनी होगी, और चाइल्ड सेंटर्ड बच्चा केंद्रित अगर स्कूल बनाने में कामयाब होते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि बिहार उद्योग का केंद्र बने न बने शिक्षा का केंद्र तो बन ही जाएगा, अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी तब। हम उदाहरण देते हैं, केवल शिक्षा ही, केवल शिक्षा और कृषि ही है जिसके माध्यम से बिहार को आप आगे ले जा सकते हैं। देखिए ये दो माध्यम, और देखिए कृषि आधारित उद्योग, देखिए चिराग पासवान से उम्मीदें हम लोग करते हैं, पशुपति पारस से भी करते थे, हुआ कुछ नहीं। तो यदि इन दोनों क्षेत्रों पर आप ध्यान नहीं दिए, और प्रशांत किशोर की वह बात तो सही है ना कि देखिए आपकी जिंदगी तीन ही कारणों से संवर सकती है, या तो आपके पास खेती हो, या आपके पास विद्या हो, या आपके पास पूंजी। तो पूंजी तो है नहीं, खेती भी किस तरीके से आप देख ही रहे हैं, तो विद्या ही है, शिक्षा ही है। नहीं, मैं तीनों को कहता हूं कि तीनों बिहार के पास है। जिस सीडी रेशियो की बात हम लोग करते हैं, जिस सीडी रेशियो की बात करते हैं, ये बिहारियों का पैसा 4,61,000 करोड़ बैंकों में जमा होता है, आप उसी से पूंजी दीजिए ना, वही बैंक से ही लोन दिलवाइए, गारंटर सरकार बने। और मैं मानता हूं कि पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो, जिन्होंने कैसे पंजाब को आबाद किया, किस तरह से नहरों का जाल बिछा पंजाब में, और उनकी खेत जो है वो सोना उगलने लगी, क्या बिहार में, अगर पंजाब में का किनारा कोई समंदर का किनारा है क्या? जैसा बिहार है मैदानी इलाका, वैसा ही पंजाब है। अगर उन्होंने कृषि पर एक बजट का एक बड़ी राशि खर्च की, तो आज देखिए बिहार के लोग जाकर के पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करते हैं, तो कृषि भी लोमी सॉयल, दोमट मिट्टी है, और जो लबालब भरी हुई नदियां, ग्राउंड वाटर, पूरे देश में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर अभी भी बिहार के जमीन के नीचे है, जो बाकी राज्य उससे निकल गए हैं, तो ग्राउंड वाटर आपके पास है, पेरेनियल रिवर्स है जो सालों भर उस नदियों में पानी रहता है, आप उसको चैनलाइज कर दीजिए। आप कह रहे हैं भाई कि कोसी और मेची को हम जोड़ेंगे और उसके साथ साथ हम जो पानी निकलेगा, कैनाल निकलेगा, उससे हम पानी देंगे। आप बता दीजिए कि अंग्रेजों के काल में जो सोन कैनाल बना, उस सोन कैनाल के बाद बता दीजिए कि कोई ऐसा कैनाल का कोई प्रोजेक्ट आया हो जो किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा दे। तो अगर कृषि और कृषि जनित उद्योग जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कुछ नहीं, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री को केवल आप आयाम दे दीजिए। दूसरी बात, पूंजी जो बैंकों में पैसा है, दूसरे राज्यों में गुजरात और कर्नाटक में देख लीजिए कि उसका पैसा जमा होता है तो पूंजी के रूप में उस राज्य के लोग कितना इस्तेमाल कर लेते हैं, और बिहार का रेशियो क्या है, 1,00,000 तक देते देते बैंक कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हम अब नहीं दे पाएंगे। और तीसरी चीज, जिस शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, मेधा के लिए तो भाई हम कहते हैं कि बिहार से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। आईटी पार्क के लिए कौन समुद्र की जरूरत है, पूना बंगलो जो आज बना हुआ है आईटी सिटी, बिहार भी तो आईटी सिटी बन सकता है, इसके लिए तो कोई समंदर का किनारा नहीं चाहिए, सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में काम करने वाले बच्चे बिहारी मिल जाएंगे, देश में भी और विदेश में भी। आप आईटी पार्क दुनिया भर में, मैं कल रात में न्यूयॉर्क बात कर रहा था, किसी इंडियन से बात कर रहा था, बिहार के ही रहने वाले हैं, उन्होंने डॉक्टरों की एक सूची भेजी जो वहां बिहार के रहने वाले हैं, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, कैलिफोर्निया में। मैं जानकर दंग रह गया कि इतनी बड़ी संख्या में बिहारी और सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं, समझे। तो वो मुझे सलाह दे रहे थे कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपको 100 NRI के लिए, देखिए वो NRI हो गए हैं लेकिन वो कहते हैं मूल रूप से हम NRV हैं,
दो और बिहार के प्रति आज भी मेरा प्रेम है, तो इतनी बड़ी संख्या है जो बिहार के लिए अभी भी सोचते हैं। बिहार में कुछ भी होता है, बिहार में कोई छोटी मोटी घटना हो जाए तो अमेरिका में बैठे लोगों क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उनको लगता है मेरा बिहार और मेरा बिहार कैसे आगे जाएगा। तो संजय जी, आज तो शिक्षकों का दिल जीत लिया नीतीश कुमार ने, चलिए वोट बैंक भी बन सकता है, अब आगे वह महिलाओं से भी संवाद करने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार की चुनावी तैयारी तो शुरू हो गई और प्रशांत किशोर तो पहले से हैं, तेजस्वी यादव को लगना होगा। नीतीश कुमार ने आज यह भी दिखाया कि हम फिट हैं, और जब वह पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं तो इसका मतलब डॉक्टरों ने कह दिया है कि आप बिहार भर की यात्रा कर सकते हैं। तो शिक्षकों का दिल जीतने के बाद महिलाओं की ओर नीतीश कुमार मुखातिब होने वाले हैं, जो उनका आधार वोट है, और कहा जाता है कि बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार के साथ। मैं 2024 के इलेक्शन में मैं सारण में था, महाराजगंज में था, मैं किसी और कार्यक्रम में गया था, चुनाव को कवर करने नहीं गया था, मैं एक स्थानीय बाजार में रुका था। मैंने सब्जी बेचने वाली एक महिला से पूछा कि क्या हाल चाल है, किसको वोट, तो सीधा सा जवाब था कि कोई चिन्हवा नहीं न छीना है। तो अब नीतीश कुमार शिक्षकों का भरोसा आप जीते हैं। जब नीतीश कुमार रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं तो एक एक पड़ाव आगे वह फतह करते चलते हैं। अब किधर लगता है आपको कि नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे? नहीं, वो तो उसके गवाह रहे हैं ना। नीतीश कुमार अगर महिला सशक्तिकरण किया तो महिला संवाद के लिए अगर वो निकल रहे हैं, देखिए स्कूल के बच्चियों को साइकिल, ये बिहार इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया है पूरे विश्व में, और वो कतार में जाती हुई साइकिल से लड़कियां, जीविका दीदी, आप अगर लोकसभा का चुनाव कवर कर रहे होंगे तो बिहार में इस बार भी कई लोकसभा का चुनाव जो एनडीए ने जीता है वो जीविका दीदियों के वजह से जीता है। सबसे बड़ा बेगूसराय बिल्कुल जीविका दीदी। उसके बाद शिक्षक और शिक्षिकाएं जिसके दिल में नीतीश कुमार ने जगह बना ली, मैं बता रहा हूं ना कि 367,000 नियोजित शिक्षक में अगर 28-30,000 बीपीएससी में चले भी गए, और अगर 3,00,000 नियोजित शिक्षक अगर सरकारी कर्मी बन जाएंगे तो उनके पुरुष और महिला शिक्षकों को, शिक्षक और शिक्षिकाओं को मिला करके एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के लिए खड़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने ही हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया। तो महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को 35% रिजर्वेशन, आज जो बेटियां जो राइफल ले करके सड़कों पर खड़ी रहती है, निश्चित रूप से अच्छा लगता है कि बिहार की बेटियां कितने डिसिप्लिन तरीके से खड़ी हैं, और इसमें नीतीश कुमार का योगदान तो है। तो ये बात, इस सच्चाई को तो हम लोग मानेंगे कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे ताकत देने में नीतीश कुमार जी ने जो भूमिका अदा की है, और जैसे ही चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जैसे ही महिला वोटर का परसेंटेज बढ़ने लगता है, हम लोग सीधे सीधे एनालिसिस पर जाते हैं, अधिक महिला वोटर का मतलब ये वोटर नीतीश कुमार के, महिलाएं नीतीश कुमार के प्रो मानी जाती है। तो अगर महिला शराबबंदी भी नीतीश कुमार ने किया था इन्हीं महिलाओं के आवाज पर, महिलाओं ने ही आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आप कहते हैं, तो उस समय तो पंचायत लेवल पर ये शराब की दुकानें खुलवा रहे थे और कितनी शराब की फैक्ट्रियां थी सबको पता है, रेवेन्यू का ये था, महिलाओं के ही आवाज पर इन्होंने शराबबंदी की थी। महिला संवाद यात्रा के माध्यम से ये महिलाओं को समझाने की कोशिश करेंगे घूम कर, ये आपके सशक्तिकरण के लिए, आपकी मजबूती के लिए और आपकी भागीदारी के लिए, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी हो या आर्थिक सशक्तिकरण हो, हमने जो किया है आप इसको अगर मानते हैं, तो आपने जो इशारा किया कि क्या ये चुनाव की पटकथा लिख दी गई, बिल्कुल आज उस अधिवेशन भवन से 2025 के चुनाव की पटकथा लिख दी गई। और महिला संवाद यात्रा, संजय जी नीतीश कुमार तो कहते भी हैं हर चुनाव में कि देखिए मैं वोट मांगने नहीं आता हूं, मैं मजदूरी मांगने आता हूं जनता से। नहीं बिल्कुल, मजदूरी मांगने का अधिकार सारे पॉलिटिकल पार्टियों को है, और अगर नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण किया है,
महिलाओं को ताकत दी है, आवाज दी है, उनको जगह दी है, 35% का रिजर्वेशन का फायदा उनको दिया है, तो नीतीश कुमार को उनसे वोट मांगने का पूरा नैतिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है। तो नीतीश कुमार ने आज शिक्षकों को, जिसको आप कह रहे हैं कि गार्डन गार्डन कर दिया, और दूसरी तरफ जो महिला संवाद यात्रा में निकल रहे हैं, महिलाओं को बताएंगे कि आप कहाँ खड़ी थी, आज आप कहाँ हैं, और उसमें जीविका दीदी से लेकर के महिला शिक्षिका, पुरुष शिक्षक के परिवार, और ये जो बच्चियां जो उस समय साइकिल लेकर के निकली थी और आज कहीं ना कहीं कोई जगह पर खड़ी हैं, और वो राइफल लेकर के खड़ी हुई वो बेटियां, हम समझते हैं कि इसके तरफ इशारा जब नीतीश कुमार करेंगे, महिलाओं को गोलबंद करने में शायद इनकी यात्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। नहीं, ठीक है, यात्रा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, लेकिन वही बात जो हम कह रहे थे, पुरनका बात तो नीतीश कुमार याद करा रहे हैं, 2005 के पहले वाली बात, और इसका जवाब तेजस्वी यादव दे नहीं पाते। वह लालू यादव का जो शासन काल है वह बैगेज बना हुआ है तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन नीतीश कुमार नए का बात नहीं बताते कि आगे करेंगे क्या, आगे करेंगे क्या, आगे बिहार किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा और किस तरीके से हम देश दुनिया को कम्पीट करेंगे, इस बात की जानकारी नहीं देते हैं। और हर एक आदमी जो जाति से ऊपर, जो सामान्य ज्ञान की एक सीमा से ऊपर की सोच रखता है, जो बिजली सड़क पानी से आगे की सोच रखता है, वह यह सवाल पूछता है, यहाँ आपने किया तो बहुत है लेकिन आगे आप क्या करेंगे यह बताइए। क्योंकि देखिए दुनिया में उदाहरण है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने किस उम्र में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आगे के लिए विजन नहीं था और ईमानदारी से कबूल किया। तो नीतीश कुमार से भी इस बात की उम्मीद तो की ही जानी चाहिए ना कि पुरनका बात सही है, नयका बात बताइए। 2005 में जब आप आए तो देखिए शांति व्यवस्था सबसे जरूरी बात थी, फिर आपने देखिए यह सही है कि आपने लड़कियों को स्कूल पहुंचाया, लड़कियों को साइकिल दी, पोशाक दिया, लेकिन अब इसके आगे की बात होनी चाहिए और यह बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है संजय जी, विजन की जरूरत। बिल्कुल आपने सटीक बात कहा कि क्वालिटी एजुकेशन पर अगर नीतीश कुमार शायद कोई बात करते तो हम लोग आज उनके उस विजन की भी सराहना करते कि चलिए स्कूल शिक्षक भवन तो हमने दे दिया, अब हम किसी भी कीमत पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एरा में बिहार के लड़के अगर पिछड़ रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, और अब बिहार के लड़के नहीं पिछड़ेंगे। तो ये जो एक विजन की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने इसकी बात नहीं की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई विजन या कोई ब्लूप्रिंट, ठीक है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री ही हो, लेकिन एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री का कोई विजन कोई ब्लूप्रिंट, आप प्रोसेसिंग यूनिट, भाई केंद्र में मंत्री आपके हैं, चिराग हैं और लोग हैं, एमएसएमई के जीतनराम मांझी हैं, एमएसएमई तो हमारे ही पास है, बिहार के पास ही है, बिहार के पास है, ललन सिंह के पास जो है वो ऐसे कई विभाग हैं जिसमें एनिमल हस्बेंड्री से लेकर के गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय है। आप कहिए कि केंद्र के मंत्रियों को मैं बाध्य करूंगा कि जो विभाग है हम उसके लिए माहौल और हम उसके लिए लैंड दोनों प्रोवाइड करेंगे, आप वहां पर इंडस्ट्री डालिए। आपको मैंने बताया था ना गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं तमिलनाडु में, इस बार मंत्री बनने के बाद 20-20 कपड़ा की मिलें खुल गई, बिहार के हिस्से में एक या दो आई। भाई आप बिहार के मंत्री, बिहार के लोगों को रोजगार की जरूरत है, और कपड़ा का मिल कहाँ खुल रहा है, कपड़े की फैक्ट्री कहाँ खुल रही है, तमिलनाडु में, आप क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री पर ही केवल बात करें ना। और तीसरी बात, हम पलायन रोकेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं सहमत हूं, आपने जो किया उस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन क्या बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में बिजली सड़क पानी से ही ये बिहारी बच्चों का भविष्य जो है संवर जाएगा। ये 40 लाख जो मजदूर, जो 40 लाख मजदूर जो कोरोना में लौटे, जिसको आपने कहा था कि हम स्किल मैपिंग करा के बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे, वो फिर लौट गए। पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार जो ट्रेनों में भर भर कर गाड़ियों में जा रही है, आपने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया कि अगर आगे का कोई ब्लूप्रिंट
और कोई विजन नहीं है, बिल्कुल तो केवल अब पुराने गाथा को गाते रहने से कि हमने कैसे बदला है बिहार को, बिल्कुल जब आप बदले तो आप बदलाव के वाहक बने, लेकिन अब तो बिहार ठहरा हुआ है। इस ठहरे हुए उदाहरण है ना संजय जी, उदाहरण है ना, इसमें भी कहां कोई देखिए दिक्कत है मानने में कि लालू यादव ने शोषितों और वंचितों को जुबान दे दी, लेकिन जुबान देने के बाद आगे कुछ नहीं किया इसलिए वे विदा हो गए, जंगल राज का ला गया। आपने बहुत कुछ किया, आपने बिहार में बिजली व्यवस्था सुधारी, आपने बिजली की व्यवस्था सुधारी, आपने हॉस्पिटल भी बनाए और आपने स्कूल्स भी खोले, ठीक है वहां पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई तो है ही नहीं मैं मानता हूं, लेकिन आगे क्या, बिजली सड़क पानी के आगे क्या, और हरेक प्रदेश अब बिजली सड़क पानी के आगे सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश भी पिछड़ा था, छत्तीसगढ़ भी पिछड़ा था, उड़ीसा भी पिछड़ा था, कैसे कटक की जगह भुवनेश्वर बन गया यह हमने और आपने देखा है ना भाई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में आता था बिहार के साथ। एग्रीकल्चर का बजट का 19% शिवराज सिंह चौहान ने कृषि पर खर्च करके बीमारू राज्य से उसको निकाल दिया बाहर मध्य प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करके और नेशनल हाईवे पर कई कॉरिडोर डेवलप करा करके उसको बीमारू राज्य से बाहर निकाल दिया, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब करीब आपकी दुगनी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकल गया, जो आपका पड़ोसी है वह भी हिंदी प्रदेश है, वह भी समंदर का किनारा लिए हुए नहीं है, बिहार क्यों नहीं बीमारू राज्य से बाहर निकल पा रहा है? तो आप आईटी पार्क कितना बनाए बता दीजिए। और देखिए नैरेटिव कैसे खराब होता है, अभी छठ में मेरे कई जानने वाले लोग दिल्ली से पटना आए, बिहार के दूसरे हिस्से में आए, वो बोले पूर्वांचल एक्सप्रेस तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसके बाद जैसे ही बिहार में घुसे, सड़कें खराब नहीं है, सिस्टम खराब है, इतना लंबा जाम, कोई देखने वाला नहीं, बाएं पार्किंग दाएं पार्किंग, जहां यहां गाड़ी खड़ी है वहां गाड़ी खड़ी है, सड़कें ठीक हो गई है, लेकिन वही हमने कहा ना कि स्कूल की बिल्डिंग बन गई, टीचर बहाल हो गए, लेकिन क्वालिटी को कौन देखेगा? तो जब यह पीड़ा होती है तो देखिए सूबे के प्रति नैरेटिव खराब, परसेप्शन खराब हो जाता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस तक तो ठीक है, मतलब योगी आदित्यनाथ के राजपथ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ प्रवेश किए तो मालूम हुआ कि 2 घंटे की जगह 6 घंटा लगेगा कि 8 घंटा लगेगा, कुछ पता ही नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि सिस्टम पर जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी, स्कूल खिचड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, कॉलेज डिग्री से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आपके बच्चे प्रतियोगी तैयार नहीं होंगे। प्रतियोगिता का मतलब होता है दूसरे से अधिक योग्य, तो इस राज्य में और देश के जितने राज्य हैं उनसे अधिक योग्य आपके बच्चे होंगे, तब तो क्वालिफाई करेंगे, आप उनको योग्य बनाइए। तीसरी चीज, जिन शिक्षकों को आपने आज नवाजा राज्यकर्मी का दर्जा देके, उन शिक्षकों को अकाउंटेबल भी बनाइए कि आपके स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे को मैं देखूंगा कि उसका लेवल क्या होता है, उसका एक ग्रेडिंग मैप भी तैयार कीजिए। तो अगर शिक्षा की व्यवस्था ठीक कर दे, चिकित्सा अगर पटना को छोड़ दीजिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितने जगह है बाहर में भाई, डिस्ट्रिक्ट तो बिहार के टाउन है, अच्छी सड़कों के बनने के बाद जिस तरह से रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ी हैं, ट्रॉमा सेंटर आपको पटना के आसपास मिलेगा और नहीं तो उनकी रास्ते में मौत हो जाती है। तो अगर आपने चिकित्सा को नहीं सुधारा, शिक्षा को नहीं सुधारा, और यहाँ पर जो एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री की संभावनाएं हैं, किसानों के चार चार कृषि रोड मैप के बाद भी क्या किसानों के खेत में पानी मिला? आज तक किसान जब वर्षा ऋतु आती है तो आकाश के तरफ देखते रहते हैं, और पंपिंग सेट से जो वो पानी निकाल रहे हैं वो ग्राउंड वाटर भी अब नीचे धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, बारिश तो कम हो रही है। तो अगर आपने उन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचाया, अगर उन बच्चों को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाया उसी स्कूल और उसी कॉलेज के माध्यम से, ये बिहार के बच्चे यूपीएससी से लेकर के सारे टेक्निकल एजुकेशन में झंडा गाड़ देते थे। आपकी एक बात मुझे बराबर, संजय जी आपको याद होगा, देखिए बहुत पुरानी बात नहीं है, 90 तक लगता है चला ही है, कि हर एक शिक्षक और हर एक डॉक्टर के पास
एक काले रंग की रजिस्टर नहीं कहें, डायरी होती थी और उसके पीछे भीतर हरे पन्ने होते थे, वो सर्विस बुक कहा जाता था। तो सर्विस बुक जो उनके कंट्रोलिंग अफसर लिखा करते थे, तो मास्टर साहब बड़े परेशान रहा करते थे कि कहीं मेरा सर्विस बुक खराब ना हो जाए। अब तो कोई देखने ही वाला नहीं है, अब तो कोई देखने ही वाला नहीं है, सब एक मतलब धर्रा बन गया है, तो न सर्विस की फिक्र है न सर्विस बुक की फिक्र है, वेतन आना है, वेतन समय पर नहीं आएगा तो आंदोलन होगा, बस यही तो रह गया है। नहीं, एक एक जगह जाकर के जहां ठहरते हैं कि 54,000 करोड़ की राशि से बिल्कुल बिहार 540 बच्चे का भी निर्माण नहीं कर पाता है जिस पर बिहार गर्व और फक्र कर सके। इसका मतलब है कि ये राशि ठीक है, आप उनको वेतन दीजिए, सुविधाएं दीजिए, भवन अच्छे बने, लेकिन निर्माण का काम कौन करेगा? सर्विस बुक का आपने इशारा किया, जो हेडमास्टर साहब होते थे और जो बीओ और डीओ जी साहब होते थे, वो सर्विस बुक का लगातार वो जांच करते थे, और बिना उनके सिग्नेचर का जो टाइम बाउंड प्रमोशन होता था, वो टाइम बाउंड प्रमोशन उनका प्रभावित हो जाता था। आज तो सर्विस बुक तो छोड़ दीजिए, वो शिक्षक कितने बजे स्कूल में गए, कितने बजे स्कूल से निकले, हायर एजुकेशन तो कोलैप्स की स्थिति में है, इसको बेबाकी से कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर क्लासेज अब होना ही बंद हो गया। पटना यूनिवर्सिटी के बारे में कई बार हमने आपसे चर्चा की थी कि गेस्ट टीचर से पटना यूनिवर्सिटी चल रहा है, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां एक टीचर बच गए हैं। अब वो गेस्ट टीचर क्या वो पढ़ा रहे हैं, अब तो वही बता सकते हैं कि क्यों उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो जब तक आप शिक्षा एक चीज केवल बिहार में, नीतीश कुमार जी केवल अगला कोई ब्लूप्रिंट हो, कहें कि हम बिहार की शिक्षा को सुधार करके ही दम लेंगे, एक शिक्षा केवल सुधार दें, बाकी मैं मानता हूं कि लगेगा कि नहीं, अभी भी इनके पास कमिटमेंट और विजन बचा हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि ये कब तक पीछे का ये रील बजते रहेगा, भाई देखिए हम ही ने न किया, हम ही ने न इसको बनाया, क्या यहां था? बिल्कुल कुछ नहीं था, तब तो जनता बार बार आपको नहीं, मैंडेट दे रही है। मैं तो उतनी की भी बात नहीं करता हूँ संजय जी, मैं तो बस उतनी की बात करता हूँ कि जिस जमाने में नीतीश जी स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़े, यदि उसी जमाने के स्कूल और कॉलेज को उसी स्टैंडर्ड के बना दें आज के परिवेश में, तो बिहार की समस्या का बहुत सारा अंत हो जाएगा। पूरी तरह से मैं सहमत हूं, पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि जिस तरह के स्कूलों में वो पढ़े हैं उससे कई गुना आज अच्छे स्कूल के भवन बन गए हैं, उनके लाइब्रेरी में किताबें आ गई हैं, उनके लेबोरेटरी में लैब के सामान, यही बिहार की सरकार ने भेजी है। लेकिन बिल्कुल अगर लैब के ताले नहीं खुल रहे हैं, लाइब्रेरी में किताबें इशूज नहीं हो रही है, और क्लासरूम में टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या इसको सरकार की नाकामी नहीं मानी जाएगी कि सरकार की बिल्कुल मॉनिटरिंग कमजोर हो गई है? और अगर सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर हो गई है तो फिर अकाउंटेबल बनाइए स्कूल को। आपने कल ही कहा था ना कि भाई जिला में थाने में आप जिम्मेवारी सौंपते हैं ना कि ये परफॉर्म किए, हाँ इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आप स्कूलों को कॉलेज को आप ग्रेडेशन करते हैं ना, आप उसको टास्क दे दीजिए, चमचमाते हुए भवन से अच्छा है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के बच्चा पढ़ ले, लेकिन अगर शिक्षक बिल्कुल पढ़ाने वाला होगा तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर कर जाएगा। नालंदा का खंडहर भी आज ये बताता है कि शिक्षक बहुत अच्छे थे वहां, वहां आलीशान भवन था, इससे ज्यादा वहां अरे था ना, हम कि तो पूरे। हम और आप तो गुरु वशिष्ठ की परंपरा से आए हैं ना, जो हमारा जो भारतीय सभ्यता है, क्या था क्या था। जी आप नालंदा की बात कर रहे हैं, और नीतीश जी अंतिम बात वही बात कि देखिए आपने आज शिक्षकों का दिल गार्डन गार्डन कर दिया है, लेकिन जब कभी आगे बोलिएगा तो यह भी बताइएगा पुरनका बात के अलावा कि नए का आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि तो आपसे उम्मीदें अभी हैं, यदि आपकी सेहत ठीक रही तो आपसे उम्मीदें हैं, और बिहार की जनता का भरोसा अभी आपसे टूटा नहीं है, तो बिहार की जनता यदि आप पर भरोसा करे आगे, लेकिन ब्लूप्रिंट चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव को तो आप समझा देते हैं 2005 के पहले, लेकिन प्रशांत किशोर को क्या जवाब देंगे जो नए नए सवाल लेकर चले आते हैं। तो बिहार की बात इसी तरीके से। फिर मैं नागार्जुन की बस एक पंक्ति से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि नागार्जुन कहते हैं कि फटी भीत है, जो स्कूल होते थे मिट्टी के बने होते थे, छत चूती है,
आले पर बिस्तुरिया नाचे, छिपकिल्ली को कहा जाता है मिथिला में, मैथिली भाषा में बिस्तुरिया, फटी भीत है छच्चुती है आले पर बिस्तुरिया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चे को मिनट मिनट पर पांच तमाचे, ऐसे ही दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के साचे। जरा उस मास्टर साहब को जगा दीजिए, क्या जो उस मास्टर साहब को जगा दीजिए और बिहार देखिए कैसे संभल जाएगा। तो बिहार की बात आगे भी हम जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।